आज की मॉर्निंग, आज शायद 4 या 5 तारीख है और आज हम जा रहे हैं द्रुति दी के यहाँ और एक मीटिंग है। तो इस तरह हम जब भी कुछ ट्रैवल करेंगे या मुलाकात करेंगे तो उसका एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप लोग एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे मीटिंग्स हैं जो बहुत सारे चीज़ें आने वाले टाइम में सीखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे अपने पर्सनल ब्लॉग में। तो मिलते हैं फिर उनके घर पे। पहुंच गए हैं द्रुति दी के यहाँ और गाड़ी में बाल की हालत बड़ी अजीब सी हो रही है और हम पीछे हम आपको दिखाते हैं। तो हम ये जो जगह है ये द्रुति दी का घर है। बहुत ही आर्टिस्ट, मैं तो कंफ्यूज हो रहा था, बट जो चीज़ें आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ सजा के रखा गया है और ना चाले और ये जो काम आप देख रहे हैं डिजिटल वर्क है राजीव भैया का और इसमें लाइट लगी हुई है। ये मिरर अब हम हैं द्रुति दी के स्टूडियो में और साथ में भैया भी है और बहुत सारे विशाल भी है, बहुत सारा विशांक तो ये बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं जो पीछे है, पूरा का पूरा एक छोटा म्यूजियम है। वाकई ये पूरा म्यूजियम है। हाँ तो हम अभी डीके स्टूडियो हैं रूहानी में और जो आप चीजें देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है और इसमें ये चीज बनाया कांती राम सर के। ओके वाओ। और नीचे तो वो काम धेनु गाय का है ब्लैक एंड व्हाइट, वो जिग्नेश दास ने बोला ये बहुत यूनिक काम है। सही, ब्यूटीफुल वर्क। तो कितना समय हो गया आपको ये करते हुए? क्या जो ये काम है इस तरह के, लगता है 6 घंटे तो ये इस तरह का काम करते आपको कितना टाइम हो गया? 6-7 साल हो गया। ओके, तो जब भी टाइम मिलता है आप? हाँ, मुझे बहुत एनआरआई ऑर्डर वगैरह आते हैं लेकिन मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा टाइम नहीं। ओके, गिफ्ट के लिए जैसे ये लेके आए सामने से तो उसको भी मैं आजू बाजू कुछ लगा के। हाँ अच्छा, मतलब आज जो भी चीजें हैं वो हाँ। काम करके उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग हाँ। बना ले। ये हमारे डैडी का 1960s का है हाँ। ट्रंक है, दूसरा पता नहीं कहाँ गया। ओके, उसको राजीव ने और उसके बेटे ने पेंट कर दिया, वो दूसरा वहां पड़ा है। ओके, उसके नीचे के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये फाइन आर्ट्स में 10 साल पहले शिल्पग्राम से एक सर आए थे वर्कशॉप लेने। ओके, वो रत्ना के फैमिली फ्रेंड है। ओके, जिसने उसको यूरोप भेजा था इस कोरियोग्राफर। अच्छा, तो उनके प्यून थे बड़े किट्टा वाले से, तो वो की गाड़ी आप जा तो वो तू भी चल, तो वो भी भाई आए। जो मेन पेड़ है ना अपना हाँ। उसके नीचे बैठ, तब वो ना फतेहगंज झाड़ू वाले बैठते थे okay. तो उसके तो उसने वो पत्ते ले लिए थे बड़ी उम्र के भाई ने हाँ। और वो बैठ के वहाँ स्टूडेंट्स जो फ्री थे उसको सिखा रहे थे हाँ। इसमें कुछ जोड़ा भी नहीं है। ओके, सब उसी से, देयर इज नथिंग व्हिच इज स्टिच्ड और स्टक, नथिंग। ओके, उसमें से निकालते गए। तो ऋषि तो 2 साल का था, तो ऋषि अच्छा लगा तो मांडे साहब वो 3 पुरा ने तो उसको 2 हिरण दिए। ऋषि इतना बड़ा था, समझ में नहीं आया कि ये यूनिक को हम करें क्या, साचा हुआ मटन वीडियो। तो चाहे मेड के नहीं रख दिया था हमने okay. फिर फ्रेमिंग साले को लेके बताया किसको फ्रेम कर, हम भैया क्या कर, उसने हमको बना के दे okay. क्योंकि ये चीज पैसे नहीं मिलती की बात है। वही जो है ना, मैं छत्तीसगढ़ में देखा हूँ कि जो ट्राइबल लोग वो करते हैं ना,
ट्राइबल जो वो लोग अपने घर में ये बना बना के वो लोग डेकोरेशन के पर्पस से रखते हैं। कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, मेरे घर के पास में 30 किलोमीटर दूर जंगलों में एक लेडी काम करती हैं, वो उनको वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करती हैं, लेकिन लोग नहीं जानते उनको। मैंने वो ढूंढ के निकाला उधर से, और फिर हमने एग्जीबिशन किया था छत्तीसगढ़ के 36 आर्टिस्टों का, उसमें से बहुत सारे ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, इस तरह के आर्टिस्ट भी हैं। वो बोलते हैं हमें तो कुशन का ऑर्डर दो, आप चादर का ऑर्डर दो, लेकिन जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी, ये फाउंडेशन के माध्यम से ही आएगा ही। हाँ। और जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप हमें इतना बल्क भेज दो। गोबर से बना होगा। अच्छा, अभी फार्मर्स नेस्ट नाम का एग्जीबिशन किया था राधिका राज गायकवाड़। हाँ। उसमें से कोई वो आरती है ना, तुझे पहचानती है, उसने मेरे लिए गिफ्ट किया। ओके, रत्ना और विशिन सही हमारे यहाँ सब। और ये जो डॉल्स लगी है वो फट गई पतंग। अच्छा, उसका मैंने डॉल बनाया। ओके, ये वाले ना ब्लॉग को एंड करते हैं, तब दिन भर ये वो टूटे हुए मटके उसको सही। पहले तो हम ध्रुति दी के वहाँ से आए लौटे, फिर अनय को मैं BAPS हॉस्पिटल लेके गया ताकि उसके पैर को ड्रेसिंग किया जा सके। बट वहाँ जो एक बर्ताव मुझे मिला इमरजेंसी वार्ड में, वो डॉक्टर का वेट करने का इंतज़ार कर रहे थे कि आप शाम तक वेट करो, हम उसका ड्रेसिंग कर लेंगे। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि जब आप किसी बच्चे के साथ आप हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ ड्रेसिंग के लिए आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि आप शाम को आओ। तो ऐसे हॉस्पिटल की व्यवस्था को थोड़ा दुखद लगता है। और फिर हम वहाँ गए नहीं शाम को, हम दूसरे पास में जो डॉक्टर थे उनसे, और ये दोपहर का टाइम था क्योंकि उसके जो घाव में रेती चली गई थी तो ड्रेसिंग कराना ज़रूरी था। बट अभी सब कुछ तो ये जो शॉट है ये BAPS हॉस्पिटल का हम वेट कर रहे थे, बट वहाँ कुछ समाधान नहीं मिला तो हम लौट आए वहाँ से, और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। रोज दो दिन ब दिन डे जो है हैट्रिक होता जा रहा है, और काम जो है वो थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, और बहुत जल्द आपको काम तो करते इसी के साथ हम आज के ब्लॉग तो नहीं एंड करते हैं, उसका एक जो मेंबरशिप वाला वो है उसमें ज़रूर आएगा। Bye.